अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। ड्राइंग रूम की शान एरिका पाम, कॉर्नर की जान एरिका पाम, ऑक्सीजन की भरमार एरिका पाम, सभी गार्डनर्स की पहचान एरिका पाम। वेलकम टू माय चैनल शीति नॉलेज किंगडम। फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आज मेरे टेरेस गार्डन में। और काफी दिनों बाद आज खिली खिली सी धूप निकली, पर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ठंड से राहत मिली है। तो मैं आई हूँ आज एरिका पाम को आप लोगों के सामने दिखाने, क्योंकि कुछ मंथ पहले मैंने जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है वो आज मैं दिखाने जा रही हूँ अपने टेरेस गार्डन में। जितने भी एरिका पाम के मैंने कलेक्शंस रखे हैं उन सभी को आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगी। और लाइव आपको जो रिपोर्टिंग मैंने एक मंथ पहले की थी वो मैं आज यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो प्लांट इस समय कैसा चल रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये प्लांट है जो एक मंथ पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी और इसका वीडियो आप अभी देखेंगे आगे। और इस समय देखिए ये कितना बढ़िया इसका ग्रोथ हो रहा है। तो ये है वही एरिका पाम जिसका मैंने रिपोर्टिंग, जिसके रूट्स को मैंने ट्रिम कर दिया प्रूनिंग के बाद, हार्ड प्रूनिंग के बाद ये एरिका पाम इस समय चल रहा है। और सबसे पहले दोस्तों आइए मैं यहाँ आती हूँ, नॉट हियर, हियर फर्स्ट। ये मेरा गमला देखिए, ये एरिका पाम का ड्रॉप वैरायटी है जो बैम्बू की तरह देखिए होता है, छोटे गमले में है, 6 इंच के गमले में है ये। और ये देखिए कितना घना है, कितना घना हो रखा है। बस इसको हमें थोड़ा धूप से बचाना है, मैंने अभी तक तो धूप में रखा है दोस्तों। और धीरे धीरे इसकी इन सब इस टाइप की पत्तियों को मैं ट्रिम करती चलूंगी और तब ये इसको मैं रखूंगी सेमी शेड में और इसका लश ग्रीन अप बनाना। इसको मैं धूप दे चुकी हूँ जाड़े का, 1 महीने से ये जाड़े में बाहर था। ये देखिए सेकेंड गमला, ये देखिए कितना घना हो गया है। और इसके स्टार्टिंग में आइए, इसके जड़ों में आइए, ये देखिए कितना ढेर सारा इसका ग्रोथ हो रहा है। तो ये भी एकदम जंगल की तरह हो गया है। सेंटर से देखिए इसके कितने न्यू सूट्स आ रहे हैं, ये इसके न्यू सूट्स हैं। तो ये देखिए कितना जंगल की तरह एरिका पाम मेरा, दिस इज सेकंड पॉट। एंड ये तो मेरा 15 साल पुराना गमला है जिसकी मैं हर 2 साल पे इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, तो ये तो 15 साल पुराना है। और दोस्तों फोर्थ गमला आपके सामने ये है जिसमें विंटर में भी देखिए न्यू लीव्स आ रहे हैं। ये देखिए इसके लीव्स पोर खुल रहे हैं, न्यू सूट्स हैं जो अब ये लीव्स बन रहे हैं। तो इस तरह पत्तियां धीरे धीरे खुलती हैं इसकी और ये फिर बड़ी होती जाती हैं और फिर कुछ ऐसा ये घना हो जाता है। और ये पांचवा गमला, मैं आप लोगों को डिफरेंसेस दिखाऊंगी कि इस पांचवें गमले में क्या अंतर है सारे गमलों की अपेक्षा। तो आप देखिए पांचवा जो गमला है मेरा फिफ्थ, इसका देखिए कितना लश ग्रीन है। तो एक नई चीज मुझे पता चली दोस्तों, तो पास आइए तो दिखाते हैं। ये देखिए इसके लीव्स कितना ग्रीन, कितना डार्क ग्रीन हो रखा है। तो दोस्तों ये देखिए जो बड़ा वाला गमला है मैंने 1 महीने से जाड़े की धूप में इसको रखा, तो धूप से देखिए कितना ब्राइट हो रखा है, उसके पत्ते देखिए कितने ब्राइट हो गए हैं। तो हमें बहुत ज्यादा एरिका पाम को धूप में नहीं रखना है, गर्मी की धूप तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता है दोस्तों ये। और ये देखिए ये गमला मेरे आंगन में था, आप अंतर देखिए इसके पत्तों से आप फर्क देख लेंगे। ये आंगन में था जहाँ बिल्कुल धूप नहीं इसको लगी है, सिर्फ ये ब्राइट लाइट में रहा है। तो ब्राइट लाइट की वजह से इसके पत्ते देखिए कितने लश ग्रीन है। तो ये है एरिका पाम की खूबसूरती, हमें एरिका पाम को धूप से बचाना है। ज्यादा धूप में आप बिल्कुल मत रखिएगा एरिका पाम को, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ कि डायरेक्ट धूप से एरिका पाम को बचाइए,
फ्लेमिंग शेड प्रोवाइड कीजिए, जहाँ पे खिड़की से जो छन की धूप आती है वो धूप मिलती है यदि, तो ऐसे ही एरिका पाम खूबसूरत ग्रीन होता है। तो ये आंगन का पाम है जो मैं ऊपर ला के रखी हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं समझ लीजिए 17-17 मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और ये गमला आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये आप देखिए फर्क, अब पास से देखिए फर्क कि धूप में रहने से पत्ते थोड़े ब्राइट हो जाते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ये मैं रख दूंगी जब सेमी शेड में, ये फिर वैसे ही हो जाएंगे एकदम डार्क लश ग्रीन और ये सारा भी कलर बदल जाएगा। तो इस तरह मैं अपने एरिका पाम को बचाती हूँ और आगे आप देखेंगे कि कैसे मैंने गमले की रिपोर्टिंग की, हर 2 साल पे आप गमले को बदलिए और उसको स्पेस दीजिए कि आपका एरिका पाम खूब बढ़िया ग्रोथ करे, खूब जंगल की तरफ हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या खाद, कैसे पानी, कैसी लाइट, सारा कुछ अब जानेंगे पार्ट 2 में, तो देखना मत भूलिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए तो एरिका पाम के केयर टिप्स की वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट जो सेक्शन है वो बताता है कि आप मेरे एरिका पाम का हार्ड प्रूनिंग जो मैंने जड़ के किया है, उसके बाद अब उसका लुक देखिए कि एरिका पाम हार्ड प्रूनिंग के बाद और रिपोर्टिंग के बाद कैसा चल रहा है। सेकेंड पार्ट में सारा रिपोर्टिंग का वीडियो रहेगा और थर्ड पार्ट में मैं एरिका पाम के केयर टिप्स और छोटी छोटी बारीकियों को मैं बताऊंगी, जिससे आपका भी एरिका पाम सुंदर, घना और बिल्कुल लश ग्रीन हो जाए और जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ ना, बिल्कुल आप भी एरिका पाम को देख कर इंजॉय करें। टिल देन फ्रेंड्स, हमें अपनी प्रकृति का ध्यान रखना है और प्रकृति से प्यार करते रहना है। टिल देन फ्रेंड्स, गो ग्रीन, गो सेफ, बाय बाय, कमिंग सून एंड वॉच पार्ट 2। और यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि नए नए वीडियो से आप अपडेट होते रहें।